जो दिखाएगा राज्य की ताज़ातरीन खबरें। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुबारक कार्यक्रम में शामिल होने हेतु इंदौर पहुंचने पर विमानतल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मीय स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी अगवानी की। कॉन्फ्रेंस के बाद यह दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री मुस्लिम समुदाय के किसी इतने बड़े कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल होने के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर की मस्जिद में दाऊदी बोहरा समुदाय के धर्मगुरु से मुलाकात की। इंदौर में दाऊदी बोहरा समुदाय के धर्मगुरु के प्रवचन का 9 दिवसीय कार्यक्रम बुधवार से शुरू हो गया है। समुदाय के दुनिया भर में बसे हजारों लोग इस धार्मिक कार्यक्रम के लिए खास तौर पर इंदौर पहुंचे हैं। दावे के मुताबिक करीब 4 लाख लोग इंदौर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष एवं स्थानीय सांसद सुमित्रा महाजन, मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। बोहरा समाज के 2 लाख लोगों ने श्वेतांबर जैन समाज के आग्रह पर पर्युषण पर्व के आखिरी दिन शाकाहार भोजन ही किया। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी धर्म के आग्रह को दूसरे धर्म के प्रमुख गुरु ने स्वीकार किया। सैफुद्दीन की मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा, आप सभी के बीच में आना हमेशा से मेरे लिए एक प्रेरक अवसर होता है। इस पवित्र अवसर पर आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा, इमाम हुसैन के पवित्र संदेश को आपने अपने जीवन में उतारा है, सदियों से देश और दुनिया के पैगाम पहुँचाया है। इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए। उनकी सीख उस समय जितनी महत्वपूर्ण थी उतनी आज भी है। इन परंपराओं को प्रमुखता से प्रसारित करने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि बोहरा समुदाय का एक एक सदस्य इस मिशन में लगा हुआ है। पीएम मोदी इससे पहले साल 2016 में वर्ल्ड सूफी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। मोदी अपने भाषण से पहले धर्मगुरुओं के बीच नंगे पैर बैठे। साथ ही पीएम मोदी ने कहा, मुझे खुशी है कि बोहरा समाज के पूरे विश्व को भारत में आपस जोड़े रखने की ताकत से परिचित करवा रहा है। मैं दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ, मैं वहाँ शांति और विकास में अपने देश के योगदान की बातें जरूर करता हूँ। इस काम में बोहरा समाज की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। यह सिख सैयदाना साहब हमेशा अपने प्रवचन में देते रहे हैं। आज भी उन्होंने अपने प्रवचन में यही बताया कि हमें देश के लिए, कानून के लिए क्या करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान मोदी ने कहा, बोहरा समाज के साथ मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। मैं सचमुच में एक प्रकार के परिवार का सदस्य बन गया हूँ। मैं हमेशा अपनापन महसूस करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आपको और आपके परिवार का स्नेह मुझ पर हमेशा से है। आज भी जन्मदिन से पहले आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं आपका आभारी हूँ। गुजरात का शायद ही कोई गांव हो जहाँ बोहरा समाज का कोई व्यापारी ना मिले। मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब कदम कदम पर आपने अपना साथ दिया। बोहरा समाज के 4.5 लाख लोग मध्य प्रदेश और 20 लाख की आबादी देश भर में है। इसी साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। इन चुनावों की वजह से प्रधानमंत्री के इस दौरे को परोक्ष रूप से राजनीतिक फायदे और चुनावी कैंपेन से जोड़कर देखा जा रहा है। वर्ल्ड इस्लामिक सूफी कॉन्फ्रेंस के बाद यह दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री मुस्लिम समुदाय के किसी इतने बड़े कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल होने के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव में बेहद कम वक्त बचा है। 3 बार से सत्ता पर काबिज बीजेपी के सामने अपनी कुर्सी बचाए रखने की चुनौती है।
वहीं 15 साल से सत्ता का वनवास झेल रही कांग्रेस किसी भी कीमत पर वापसी करने को आतुर है। गौरतलब है कि बोहरा मुस्लिम समुदाय को लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थक माना जाता है। देश में दाऊदी बोहरा समुदाय की सबसे ज्यादा आबादी गुजरात में है। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उन्हें इस समुदाय का समर्थन हासिल था। ऐसे में मध्य प्रदेश चुनाव में सबसे पहले मुख्यमंत्री की इतने बड़े कार्यक्रम में शिरकत के सियासी मायने तो जरूर निकाले जाएंगे। मोटे अनुमान के मुताबिक प्रदेश में दाऊदी बोहरा समुदाय की आबादी 2.5 लाख के आसपास है। दाऊदी बोहरा समुदाय के ज्यादातर लोग फर्नीचर के व्यापारी से जुड़े हैं।